देखिए मेरे पास नया क्वेश्चन क्या है देखिए लेयर के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है इन अ टर्बुलेंट बाउंडी लेयर बात यहां पर अब टर्बुलेंट बाउंडी लेयर की टी जा रही है ओवर द इंटायर लेंथ पूरी लेंथ में ऑफ अ फ्लैट प्लेट द बाउंडी लेयर थिकनेस इंक्रीज विद इट्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लिडेज है ना सीधी सी बात ये है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस एक्स पर किस डिपेंड करती है ये पूछा जा रहा है हालांकि इस जैसे दो क्वेश्चन आ चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है तो मैं फिर से बता दूं कि जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है डेल्टा वो मेरा की पावर बाटे पांच पे डिपेंड करती है एक्स की पावर चार बटे पांच पर डिपेंड करती है।, है ये मेरा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए होता है और लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए होता है अंडर रूट एक्स के समानुपाती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स की पावर चार बटे पांच मतलब ऑप्शन नंबर

एडवर्स प्रेशर रेडियंट एक्चुअली में मैं इसको अपॉन एक्स ग्रेटर देन ऐसा भी कहता हूं है ना यही सेपरेशन का मेन रीजन होता है तो देख लीजिए कोई ऑप्शन है ऐसा प्रेजेंस ऑफ एडवर्स प्रेशर रेडियंट तो टेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ एडवर्स प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल प्रेशर रेडियंट इसकी वजह से कभी तो सेपरेशन नहीं होता मैं आपको ये पहले बता चुका हूं आपका जैसे कि वेंचुरी मीटर में अगर पूछा जाए एडवर्स प्रेशर रेडियंट कहाँ होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट uh, में Laten, uh, for, या प्रेशर रेडियंट uh, uh, ये कहा होता है में होता ना ये सब तो छोटी छोटी बातें आपको बता चुका हूं तो टैक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि की पावर इक्वल टू वाई बाई डेल्टा यानी जो मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल दी दी रही है, वो U U y ये दी रही है है वो इक्वल टू डेल्टा ये अगर आपको तो याद हो तो मैं आपको तो बता चुका हूं ये प्रोफाइल कहलाती मेरी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल अच्छा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है ऐसा मुझे पता चल चुका है आगे देखिए फिर आगे बहुत सारी बातें दी रही है ठीक है लास्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है लास्ट में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ चट्टी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू मोमेंटम थिकनेस आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा सीधा सीधा आपसे बस बात छोटी सी पूछी जा रही है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस का रेशियो बताइए डिस्प्लेसमेंट ऊपर होनी चाहिए मोमेंटम थिकनेस नीचे होनी चाहिए ना तो ये दोनों बातें बहुत इजी है अगर याद हो आपको मैं आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डायरेक्ट बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस चलती है डेल बाई टू मोमेंटम थिकनेस भी डायरेक्ट बता चुका हूं इसका मान चलता है डेल बाई सिक्स तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मोमेंटम ये मैं आपको तो डायरेक्ट बता चुका हूं जिनके मान थे टू, तो बताइए तो तो वन बाई टू रेशियो यह सीधा सीधा तीन आ जाएगा दो से हो जाएगा, तो ट्रेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेट आंसर सी है ना तो इन्होंने पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ऊपर था मोमेंटम थिकनेस नीचे था इसलिए रेशियो तीन आया नहीं तो उल्टा भी हो सकता था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही कहता था अगला क्वेश्चन मेरे पास है फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी प्रोफाइल प्रोफाइल अच्छा जो दी रही है वो दी गई है u to, या, u या डेल्टा मोमेंटम थिटनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर अच्छा लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए मुझे पूछा जा रहा है मोमेंटम थिकनेस देखिए मोमेंटम थिकनेस पूछी जा रही है आपकी तो मोमेंटम थिकनेस सबको पता होती है सर जो मोमेंटम थिकनेस थीटा का फॉर्मूला आया था वो अभी अभी मैंने बताया भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6, ये बताया आपको आगे देखिए फ्लैट प्लेट ये सब मान पूछा जा रहा है तो भैया अगर थीटा का मान पूछ रहा है डेट मीन मोमेंटम थिकनेस पूछ रहा है तो फॉर्मूला आया है डेल्टा बाई सिक्स है ना तो तुम्हें डेल्टा तो पता होना चाहिए ना तो डेल्टा पता करना है तो तुम्हें वेलोसिटी प्रोफाइल अब देखिए भाई Velocity profile normally दी दी है, है, तो velocity profile दी रही है, तो ऐसे आप formula लगा के भी सवाल को कर सकते हो। और नहीं है तो फिर आप ए, एक काम कर सकते हैं वैसे देखना तो इसमें चाहिए था उससे क्या नाम है ए, सवाल को सॉल्व करके लेकिन कोई बात नहीं एक अप्रोक्स आइडिया से मैं डेल्टा का फॉर्मुला ब्लेसियस रिजल्ट से निकाल देता हूं तो रिजल्ट अगर याद हो तो फाइव एक्स डिवाइड बाई अंडर था हाना? तो मैं पहले रेनॉल्ड नंबर निकाल दू एक्स की वैल्यू पुट आंसर आ जाएगा तो कुछ देखिए डेटा जैसे कि एक्स वन मीटर न्यू पता है मुझे वेलोसिटी पता है तो यहां से पहले वैल्यू नंबर निकाल देते हैं तो रिनॉल्ड नंबर क्या होता है सर रिनॉल्ड नंबर होता है वी, एक्स न्यू, तो वी कितना है सर वी है दो मीटर पर सेकेंड एक्स कितना है कितना मीटर दूर अब मुझे निकालना है एक्स वन मीटर है और डिवाइड बाय न्यू तो इतना है, सर है, दो पांच ये सॉरी दो माइनस पांच।, तो पांच है तो इसका मतलब ये हुआ, दो से दो टैंस तो पावर पांच अच्छा रेनोल्ड नंबर दस टी पावर पांच है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्लो हो रहा है वो लेविनार हो रहा ये मान फाइव इंटू टेंट तो पावर फाइव से छोटा है तो रेनोल्ड नंबर का जो भी मान फाइव इंटू टेंट पावर फाइव से छोटा होता है वो मेरा फ्लो लेमिनार होता है तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो सर फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा टर्मसो होगा लेमिनार फ्लो होगा यह बात मेरी कंफर्म हो जाती है ठीक है अच्छा ठीक है लेमिनार मुझे फ्लो कंफर्म हो गया तो मैं अगर इस को इस्तेमाल करके डेल निकाल दू तो फाइव एक्स तुम्हारा वन है और अंडर रोड नंबर तो रेनोल्ड नंबर अभी अभी कितनी आई है दस की पावर पांच आई है तो फाइव डिवाइड बाई दस की पावर पांच उनको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करा लेता हूं और देखता हूं कितना रिजल्ट निकलेगा तो फाइव डिवाइड बाई टेन की पावर अच्छा पांच बटे दो टह दो पांच बटे दो टह दो या दो 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 समझ पांच कह दो तो ये जो मान निकल रहा है अच्छा ये पहले मान मुझे निकला है मीटर में लेकिन मैं एमएम बना लूं तो एमएम में ये मान निकला पहले ये मीटर में निकले रहा तो एमएम में ये निकल रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव ये मेरा एमएम में मान आया है अगर एम में अमान आया है तो मैं चाहूं तो इसको डेल बाई सकते हैं तो डेल बाई अगर सिक्स से सवाल को सोल्व कराया जाए तो ये मेरा थीटा का मान भी पता चल जाएगा लेकिन काफी छोटा मान आ रहा है 2.1 मीटर 3.16 पॉइंट वन और रिनोल्ड नंबर दस टी पावर पांच ये आ रही है अगर देखा जाए यहां पर रिनॉल्ड नंबर तो दस टी पावर पांच एकदम सही है टोटी तो वी और डिवाइड बाय न्यू न्यू है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ये तो सही है और यहाँ से ये, ये भी मान सही है और लेमिनार फ्लो के लिए फॉर्मुलास फॉर्मला वैसे निकालना तो मुझे प्रोफाइल से चाहिए था लेकिन डेरिवेशन फिर बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाएगा का मान वन मीटर है तो वन मीटर या फाइव थाउजेंड भी रखता हूँ यहाँ पर डिवाइड बाई पावर और की पावर एक काम करते हैं टेन की पावर पांच बटे दो टू तो पहले सॉल्व करा लेते हैं तीन सो सोलह सो हाँ, थोड़ा सा आ यहाँ पर नीचे जो मान आ रहा है वो, वो मेरा आ रहा है तो तीन सौ सो सोलह दशमलव दो ऊपर फाइव मीटर है लेकिन मैं फाइव थाउजेंड कर दूटी एम एम बनाना है तीन सौ सो सोलह दशमलव दो ठीक है तो ये जो मान आ रहा है मेरे पास थोड़ी मिस्टेक हो रही थी आप सही कर लेना ये जो मान आ रहा है वो पंद्रह दशमलव आठ एम एम आ रहा है ठीक थोड़ा मिस हो गया था फिफ्टीन पॉइंट एट एम एम तो फिफ्टीन पॉइंट एट एम एम कैसे आया आपने ये जो एक मीटर यहां पर दिया हुआ था इस एट मीटर को तो मैं एक मीटर नहीं रखूंगा इस एट मीटर को तो मैं रखूंगा दस की पावर तीन मैंने mm बना लिया और जैसे ही मोमेंटम थिकनेस जो, थी तो तो जो जनरल फॉर्मुला होता है इस प्रोफाइल के लिए वो डेल बाई है तो डेल बाई सिक्स यानी फिफ्टीन पॉइंट एट डिवाइड बाई सिक्स तो इसका जो अप्रोक्स आंसर आ गया वो टू पॉइंट सिक्स के आसपास आ गया है ना तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रही है वो ले टू पॉइंट सिक्स देखिए जो नजदीक का ऑप्शन है मीटर वाला नहीं हो सकता और आंसर जो आ रहा है वो टू पॉइंट सिक्स आ रहा है तो मैं टू पॉइंट वन टू लगा रहा हूं ये भी सुन लीजिए हुआ क्या था अगर आपको प्रोफाइल याद हो तो इस प्रोफाइल की जब मैंने कंप्लीट एनालिसिस ट्राई थी पूरी कंप्लीट एनालिसिस ट्राई थी तब जो रिजल्ट निकल के आया था डेल्टा का वो रिजल्ट निकल के आया था फोर पॉइंट सिक्स फोर एक्स डिवाइड बाई अंडरवुड रिनोर्ड नंबर है ना इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मले में ये मान थोड़ा कम हो जाएगा इसीलिए मैंने इस मान का जो मान अभी टू पॉइंट सिक्स एमएम आया है उसको तो थोड़ा सा कम कर दिया मतलब टू पॉइंट वन कर दिया वैसे ए, सही तरीका तो इसका यही होना चाहिए था कि आप ये वाला फॉर्मला इस्तेमाल करके ये फॉर्मला इस्तेमाल कीजिए तो वैल्यू थोड़ी सी टम आती इससे वैल्यू आती तो मुझे मिल गया कि टेट अब सोचने वाली बात है सर ये कहां से आया तो ये फॉर्मुला उस समय आया था जब मैंने थ्योरी वाले सेशन में इस पूरी प्रोफाइल को तो इस पूरी प्रोफाइल तो को डील कराया था है ना चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है देखिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस ला

वो लेमिनार के लिए डबल में आया था ना तो 1.328 और डिवाइड बाय अंडर रूट डिवाइड नंबर तो ध्यान रखना ये है जबकि यह का होता है ठीक है थेटे? तो जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि तो लोटल स्टिन फ्रेक्शन पूछ पुछ रहा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन लेयर जोन लेवर्ड पीट्यू आर एस ओ आर अट प्लेट इन सोन इन द फिडर तो फिडर बना हुआ है लेकिन मैं फिडर यहां बना देता हूं आपको देखकर तो जो फिडर था आपका वो कुछ इस तरह से था ये मेरी प्लेट थी ये फिडर डायग्राम बना हुआ था क्वेश्चन में ध्यान और कुछ ये और फिर यहां से ये है ना ऐसे कुछ फिडर था और उसके बाद एट लाइन यहां से खींची गई थी एट लाइन यहां से खींची गई थी अब ये देख लीजिए कि इनके पीट्यू आर एस कहां लिखे हुए थे तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ था पी फिर उसके बाद लिखा हुआ था यहां ट्यू यहां लिखा हुआ था आर और यहां लिखा हुआ था एस ये था आपका डायग्राम ठीक है तो डायग्राम मैंने बना दिया है अब देखिए इन्होंने क्या कहा लिस्ट वन को लिस्ट सेकेंड से, से मैच कराइए तो देखिए वाला जो, जो, जो जोन है वो तो लेमिनार जोन है ना तो पी वाला जोन लेमिनार है तो पीटी मैचिंग हो जाएगी यानी लेमिनार जोन मिल जाएगा वो तीसरे में तो ए का तीसरा हो गया फिर इसके बाद देखिए ट्यू वाला जोन ट्यू वाला है ट्रांजिशन जोन तो ट्रांजिशन जोन है तो ट्रांजिशनल जोन हमारा ए में है, तो क्यूटा हो जाएगा फर्स्ट क्यूटा हो फर्स्ट, तो मतलब एट है सकते हो एटा तीसरा और बीटा पहला तीसरा, बीटा पहला मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर ए और भी देख लीजिए आर जो वो टर्बुलेंट जोन है तो आर टर्बुलेंट है तो इसका मतलब इस आर का होना चाहिए चौथा तो सीटा हमारा हो जाएगा चौथा अच्छा सी सीट चौथा है और एस मेरा जो होता है इन्होंने पीट्यू आर एस थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यार आर यहां लिखा हुआ है एस यहां लिखा हुआ है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एस है वो है मेरा टर्बुलेंट जोन और जो आर है यानी नीचे वाला है वो लेमिनार सब लेयर है तो लेमिनार सब लेयर है तो लेमिनार सब लेयर मेरी दूसरे में हो जाएगी तो टेट मैचिंग आप देख लीजिए तीसरा तीसरे बार फिर तो पहला और फिर दूसरा फिर चौथा तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर एट एक्ट हो जाएगा ना तो डायग्राम जो मैंने आपको बनाया अभी अभी ये डायग्राम पहले से बना हुआ था तो ऐसा मत सोचना तो है कि डायग्राम मैंने अलग से बनाया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है द बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेशन फ्रॉम मतलब बाउंड्री लेयर का सेपरेशन कब होता है तो सबको तो पता है बाउंड्री लेयर का सेपरेशन करने के लिए डेवर यू अपॉन डेवर एक्स शुड बी जीरो एंड डेवर पी अपॉन डेवर एक्स

फॉर द फ्लो ओवर बाई अच्छा है तो नीचे हो जाएगा रेनोल्ड नंबर वो भी अंडर रूड रेनोल्ड नंबर है ना तो यहां से डेल्टा मान निकाले तो फाइव एक्स बन जाएगा वही सेम फॉर्मला हो जाएगा तो इन्होंने डेल बाई एक्स पूछा है तो जो ट्रेट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉरी डी हो जाएगा तो लेमिनार फ्लो के लिए थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का जो मान मैं बता रहा हूं ना ये मान दिया था ब्लेशियस ने अपने रिजल्ट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये जो मान था वो तुम्हारा ब्लेशियस रिजल्ट में था लेकिन अगर कोई और स्पेशली प्रोफाइल दे दी जाए तो उस प्रोफाइल के लिए हम लोग इसके मान को प्रूव कर सकते हैं निकाल सकते हैं उसके लिए तुम्हें वन ट्ररमाइन इक्वेशन लगानी पड़ेगी और वन ट्रोरमाइन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स इक्वल टू टाउ नॉट डिवाइड डि रो यू नॉट स्क्वायर या यू स्क्वायर ये फॉर्मुला है जिसको वन ट्राइन इक्वेशन भी कहते हैं इसी मदद मतलब से मैं बड़े आराम से डेल्टा बता सकता हूं तो इन्होंने ब्लेशियस रिजल्ट वाला फॉर्मला पूछा था इसी वजह से मैंने डी ऑप्शन को टिक किया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं

फ्लो सेपरेशन सबको बताया फ्लो सेपरेशन सर एडवर्स प्रेशर रेडियंट होता है और एडवर्स प्रेशर रेडियंट मेरा लिखा हुआ है चौथा नंबर चौथा है ना तो तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा तुम्हारा तीसरा तो का ऑप्शन ती है ऑप्शन नंबर सी तीन चार एक दो है ना तो यहां से एक बात पता चली कि जो सॉफ्ट वेव है वो किससे मैच कर जाएगी तुम्हारी कॉम्पेसिबिलिटी से मैच करनी चाहिए ठीक है तो करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट लेयर बताइए टर्बुलेंट लेयर की कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं टर्बुलेंट लेयर की इस तरह की प्रोफाइल होती है यू डिवाइड बाई डेल्टा की पावर वन बाई या एन लिख दीजिए लेकिन एन ट मन वन बाई सेवन हो सकता है या वन बाई सिक्स हो सकता है इस तरह की प्रोफाइल टर्बुलेंट के लिए होती है और जब वन बाई सेवन होता है तो इस लॉ बोलते हैं लॉ है ना तो ये प्रोफाइल मैंने आपको बताई थी टिस्टली इस्तेमाल करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो जो टेस्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ध्यान इसका जो टेट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है बोलिए बात सबको तो समझ आ रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे फ्लैट प्लेट का सवाल है लग जाएगा तो डेटा को देखना पड़ेगा कौन सा डेटा दिया गया है कौन सा नहीं दिया गया क्वेश्चन यह है कि फ्लैट प्लेट एरिया दे दिया गया सेट पैल टू यूनिफॉर्म स्ट्रीम और डेंसिटी भी दे दी और भी दे दी ट्रायना सोलह सेंटी स्टोक है तो ये ट्रेनामेटिक विस्ट्रोसिटी है विद इट्स शॉर्टर एज द लेंथ यही थोड़ा लाइन इंपॉर्टेंट है ऐसे रखी है कि जो उसकी छोटी वाली भुजा है वो एलॉन द लेंथ है तो छोटी वाली भुजा एलोन तुम्हें बनानी है तो तुम्हें कुछ डायग्राम ये बनाना पड़ेगा ये बनाना पड़ेगा और छोटी वाली भुजा कितनी है जीरो पॉइंट फोर मीटर का मल्टीप्लाई जरूर करा देना आगे लिखा है है द एयर वेलोसिटी दे दी वाट इज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट द डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ द प्लेट मतलब इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पे आपसे बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी जा रही है

तो रेनॉल्ड नंबर देखिए क्या होती है अब वो तो 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 तीस किलोमीटर पर, पर, पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा ना तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5 बटे अठारह से मल्टीप्लाई कर दिया चेक कर सकते हैं तो 5 बटे अठारह से तो v

16 तो सेंटी सेंटी पावर माइनस दो स्टोर टू मीटर पर इसे जा सकता है, तो यहां से आप पूरा के, पहले रिनोल्ड नंबर जब रिनोल्ड नंबर पता चलेगा तभी सवाल का आंसर आएगा एकदम करेक्ट अन्यथा फिर गलत हो जाएगा तो चलिए फिर इनका मल्टीप्लाई टा लेते तो दस टी पावर माइनस छह मल्टीप्लाई भी नहीं टाउग तो तीस गुड़े पॉइंट गुड़े फोर डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा सोलह गुड़े अठारह तो इसका मान आ गया पॉइंट टू जीरो इंटू टेन की पावर सिक्स ये मान आया है ना तो चाहे तो इसको बड़े आराम से और भी ये मान लिख सकते हैं कि सर यह मान को लिखा सकता है दो गुड़े दस पावर पांच तो रिनॉल्ड नंबर का जो मान आ गया वो दो डुड़े दस पावर पांच आ गया बहुत बढ़िया ध्यान से देखना तो रेनॉल्ड नंबर का मान आ इसका क्या मतलब हुआ कि है पूछी है तो बताइए लेमिनार है, है।, है तो ब्लेसिस तो तो रिजल्ट क्या कहता है फाइव एक्स डिवाइड बाई अंडर है ना तो इसकी मदद से मैं डेल्टा बता सकता हूं बड़े आराम से सर फाइव एक्स देखिए सारे आंसर mm में हैं तो एक्स टू भी mm में ले लो बताओ ये जो फोर मीटर लिखा है तो मैं फोर मीटर तो और फोर का तो और बनाया जाएगा कह सकता ये माना जाएगा चार सौ और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा अंडर रूट रिनॉल्ड नंबर तो रिनोल्ड नंबर कितनी निकली है सर रिनोल्ड नंबर निकली है दो पावर पांच इस पूरे डेटा को सोल्व करके बहुत ही आराम से मैं बता सकता हूं कि डेल्टा कितना होना चाहिए मतलब बाउंड्री लेयर कितनी होनी चाहिए एट द दिन एज चलिए फिर सवाल को सोल्व कर देते हैं तो सवाल क्या लिखा हुआ था सवाल लिखा हुआ था ऊपर है पहले नीचे वाले डेटा को सोल्व करते हैं टू इंटू की पावर फाइव टू इंटू की पावर फाइव का अंडर रूट नीचे वाला जो मान आ रहा है वो चार सो सैतालीस आ रहा है चार सौ सैतालीस ठीक है ऊपर तो वाला मान कह सकते हो फाइव इंटू या दो हजार डिवाइड बाई चार सौ सैतालीस फोर पॉइंट फोर सेवन जो मान स्टा आ रहा है वो मान आ रहा है फोर पॉइंट फोर सेवन एमएम फोर पॉइंट फोर सेवन एम एम तो ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर पॉइंट फोर सेवन एम एम फोर पॉइंट फोर सेवन एम एम के आसपास का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फोर पॉइंट थ्री एट एम एम सुनिए फोर पॉइंट थ्री एट एम एम ये सकते हो ऑप्शन नंबर आसान सबसे पहले आपको रिनोल्ड नंबर थी उससे पता करना था कि फ्लो लेमिनार टर्बुलेंट, और जब एक बार पता चल जाता कि फ्लो लेमिनार टर्बुलेंट, रिजल्ट था अगर ये टर्बुलेंट होता तो ब्लेसियस रिजल्ट टर्बुलेंटली बनाता पॉइंट थ्री सेवन सेवन डिवाइड बाई रिन पावर एक बटे पांच सवाल सॉल्व हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन ये ट इज द रेशियो ऑफ डिसमेंट थिकनेस टू मोमेंटम थिकनेस डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम थिकनेस का रेशियो पूछ रहा है और फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखते पहले इन्होंने क्या बोला पहले बोला है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मतलब डेल स्टार तो डेल स्टार में यदि मान याद हो तो डेल बाई टू आया था दोबारा क्या है मोमेंटम थिकनेस मतलब थीटा अगर मोमेंटम थिकनेस का मान याद हो तो जो मोमेंटम थिकनेस का मान आया था वो आया था डेल बाई सिक्स

व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बॉन्ड थिकनेस देखिए याद होना चाहिए है, तो के लिए, मान के आता था तो याद करिए लिनियर प्रोफाइल के लिए डेल स्टार्ट का जो मान आया था वो डेल बाई टू आया था तो मुझे रेशियोट पूछा जा रहा है भाई, आपका बाउंड्रीलियर थिकनेस तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और बाउंड्रील थिकनेस का यदि अनुपात में पूछूं कि सर बताओ डेल स्टार और डेल्टा रेशियो कितना होना चाहिए तो टैक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा एट बटे दो है ना वही चीज पूछी आ रही है तो जो ट्रेट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन बाई टू चटे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है एकदम आसान क्वेश्चन है

वट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्रीलेर थिकनेस तुमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और बाउंड्रियर थिकनेस का बताइए अनुपात क्या होना चाहिए निकल आएगा मुझे बस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो याद करिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो डेल स्टार होता था उसका फॉर्मुला होता था इंटीगेशन जीरो से डेल्टा होता था जीरो डेल्टा और आज क्या होता था वन माइनस यू बटे यू इनफाइनाइट तो वन माइनस यू बटे यू इनफाइनाइट का मान वाई बटे डेल्टा है

इंटीग्रेशन को सोल्व कराना काफी है जैसे कि वन का इंटीग्रेशन सर वाई हो जाएगा है ना वाई की पावर वन बाई सिक्स अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो, तो, तो कह सकते हो कि जो हो जाएगा वो सेवन बाई सिक्स तो माइनस वाई की पावर हो जाएगा सेवन बाई सिक्स लेकिन नीचे भी तो सेवन बाई सिक्स होगा तो नीचे भी मेरा सेवन बाई सिक्स करना पड़ेगा परंतु साथ साथ यहाँ डेल्ट की पावर वन बाई सिक्स बचे ही रहेगा रहे। अब मुझे लिमिट किसानी लिमिट लगानी मुझे जीरो से डेल्टा लगा दीजिए जीरो से डेल्टा तो सब सबको तो बात पता है कि जब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद डेल्टा तो बाहर रहना ही रहेगा रहे रहे। तो रोटी जीरो रखने का कोई मतलब ही नहीं है और वन बाई सिक्स सेवन बाई सिक्स से कटे की तो पावर वन या डेल्टा की पावर वन अब देखिए वन माइनस वन माइनस कितना आ जाएगा रहा है सिक्स बाई सेवन वन माइनस सिक्स बाई यदि को को जाए तो 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 से से मेरा मान पता चल जाएगा है ना? तो इस करना भाई सबको तो चाहिए। मैं बता सकता हूँ बराबर आ जाए डेल बाई सेवन तो रेशियो टिस्टा पूछा जा रहा था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मतलब थिकनेस, मतलब डेल मतलब तो डेल स्टार बटे डेल्ट रेशियो पूछा जाए तो ये अनुपात आ गया वन बाई सेवन

तो बॉन्डी लेयर के अंदर की बात हो रही है यानी इस पॉइंट की, की बात हो रही है इस लोटेशन की बात हो रही है विस्टस एंड रोटेशनल फ्लो इन विसेट एंड इस तरह सवाल है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपका है ना लग जाएगा ये बताइए अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है इसी वजह से विस्टस फोर्स भी होता है तो विस्टस प्रभाव होगा इनविसेंट अदला थोड़ी है है ना और जब भी कभी आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ये यू टी आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट रही मैं पहले बता चुका हूं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जब भी कभी एडजस्ट करेगा तो फ्लो हमेशा रोटेशनल हो जाएगा तो फ्लो हमेशा रोटेशनल हो जाएगा यानी इन रोटेशनल वाला पार्टिकलत हो जाए तो टेट आंसर हो जाएगा विस्ट्रेस एंड रोटेशनल फ्लो हालांकि जब मैं आपको थ्योरी बताई थी कॉन्सेप्ट बताया था इस्ट तो मैं इसके बारे में जो डिफरेंस लिखाए थे दो पॉइंट करके मैंने डिफरेंस लिखाए थे

अगला क्वेश्चन में प्रोफाइल दे दिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है काफी बार बता चुके हैं इस रिजल्ट को लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल स्मॉल बटे बटे कैपिटल बराबर डेल्टा द रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस थिकनेस टू डिस्प्लेसमेंट देखिये इस बार पहले मोमेंटम थिकनेस बोला हुआ है इस बार पहले इन्होंने मोमेंटम थिकनेस बोला तो मोमेंटम थिकनेस था डेल बाई सिक्स और फिर बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल स्टार का जो मान था वो था डेल बाई टू तो पहले मोमेंटम थिकनेस रखो फिर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस रखो ये अनुपात डालो तो जब ये अनुपात डाला जाएगा तो इनका जो रिश्यू निकलेगा वो वन बाई थ्री निकला चेक कर सकते हैं ना अरे डेल बाई सी आ जाएगा तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो वन बाई थ्री और वन बाई थ्री केवल एटी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी तो जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो गया इजी क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है चलिए लेटर हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ाटे था थोड़ा था अभी तक क्या होता था हर बार आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस के साथ रेशियो पूछा जा रहा था लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि थि मोमेंटम थिकनेस का डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के साथ रेशियो पूछ दिया उल्टा पूछ दिया है ना तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये टर्बुलेंट फ्लो अच्छा टर्बुलेंट फ्लो नेटेटल और डिस्प्लेसमेंट ने स्टार का मान पूछ रहा है इजी क्वेश्चन है अगर याद हो तो मैं आपको तो पहले बता चुका हूं कि जो मेरा डेल स्टार होता है उसका फॉर्मुला होता है इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा होता है और अंदर होता है वन माइनस यू बटे कैपिटल यू और उसका मान है वन माइनस वाई बटे डेल्टा की पावर वन बाई सेवन है ना डी और बार हो जाएगा डी वाई तो चलिए फिर इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं तो यहां से अगर डेल स्टार का मान निकाला जाए तो कहो ये सर वाई अच्छा मैं डायरेक्ट ही टा दू सर जो भी मान निकलेगा उस मान में बाहर डेल्टा रहेगा ये श्योर है और हो रहा भी हर एक फॉर्म ले अंदर वन इंटीग्रेशन वाई लिमिट लगाई होगी रही जीरो डेल्टा तो यहां वन आएगा फिर माइनस वन बाई सेवन इंटीग्रेशन अरे भैया टू तो जब इंटीग्रेट कराते हो तो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन वन बाई सेवन टू यदि प्लस वन वन बाई सेवन प्लस वन जब ट्राओगे तो मानी बात है वो आठ बटे सात आ जाएगा लेकिन आठ बटे सात नीचे आएगा तो कन्फर्म यहां मेरा सात बटे आठ होगा उल्टा हो जाएगा ना और सात बटे आठ हो रहा तो घटा दीजिए तो जो टैक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा डेल स्टार्ट का वो मिल जाएगा डेल बाई एट बाई एट है कि यहां से यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो तो क्योंकि मैंने तो मुझे पता है कैसे ट्रेट करना है तो आप लोग वो इंटीग्रेशन तो पता है ना भाई सबको तो, तो इंटीग्रेशन लगाइए अपना दिमाग लगाइए कैसे क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन सबको पता है तो इंटीग्रेशन सबको तो पता है तो आप करिए अपने हिसाब से रहे इतना ही श्योर ठीक है, है, है।, है सॉल्व हो जाएगा ऐसी तो कोई बात नहीं है सवाल यह है लास्ट वाली लाइन पे फोटस ट्रिएटर यह लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे तो सवाल यह है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज टू वीच द बॉन्ड्री लेयर रिमेन्स लेमिनार कहा जा रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए जहां पर बाउंड्री लेयर क्या हो लेमिनार हो ठीक है एक और पॉइंट बोला हुआ था कि इफ रिनोल्ड नंबर एट ट्रांजिशन इज टेक यानी आपका ट्रांजिटन जोन पर जहां से मतलब कन्वर्जन स्टार्ट होता है लेमिनार टू टर्बोलेंट वहां पर जो रेनॉल्ड नंबर लेके चलना है वो टू पॉइंट इंटू ट्वेंटी पॉल फाइव इंटू ट्वेंटी पॉवर फाइव वो नहीं लग जाएगा क्या फॉर्मला इस्तेमाल किया जाएगा फॉर्मला इस्तेमाल किया जाएगा आर ई एक्स बराबर वी डी डी क्यों बता रहा है तो कितना हमें लेके चलना है लिमिट लिमिट की चलनी है, .5 10 पर वो मुझे है। और नीचे न्यू तो न्यू देखिए जो दिया गया है वो पंद्रह सेंटी स्टोर दिया गया है पंद्रह सेंटी स्टोर तो पंद्रह सेंटी स्टोटो तो मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा तो सेंटी टू तो यदि पहले हटाऊं तो दस टी पावर माइनस दो लड़ाऊ स्टोर को हटाऊं तो दस की पावर माइनस चार कंफर्म तो यहां पर हो जाएगा इंटू टेन की पावर माइनस सिक्सा को सोल्व निकाल सकता हूं बट यहां से जो एक्स निकले रहा मेरा पहला जो मान निकले एक्स्ट्रा वो मीटर में निकले रहा है यह बात आपको तो समझनी पड़ेगी यहां से जो एक्सट्रा मान निकलेगा वो मीटर में निकले रहा है ना तो चलिए फिर सोल्व कर लेते हैं तो टू पॉइंट फाइव इंटू फिफ्टीन डिवाइड बाई ट्वेंटी डिवाइड बाय तो ये मान जो वो वन पॉइंट एट सेवन फाइव जब इन सब को सोल्व कराया लेकिन ये इधर जाएगा भाई दस टी पावर पांच दस की पावर माइनस छह दस की पावर माइनस वन रहेगा तो ये मान मेरा निकला है मीटर में लेकिन मुझे मान जो बनाना है वो देखिए सारे ऑप्शन देखिए एमएम में है अच्छा वैसे मेरा जब इतना मान आ गया ये मान आ गया मीटर में एमएम में बनाया जाएगा तो एमएम में एक हजार का मल्टीप्लाई आद हो रही तो इसमें एक हजार का मल्टीप्लाईट आ रही है दस टी पावर माइनस वन भी है तो जो ट्रेट आंसर मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा देखिए क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लिया करिए तो क्वेश्चन अच्छा सर इतना है तो इसके अनुसार कुछ कन्वर्जन अनवर्जन हुआ होगा तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बन जाएगा तो इस क्वेश्चन का ट्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन ये है द बाउंड्री लेयर सेपरेशन काफी बार आ चुका है गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन क्वेश्चन एक को दो तीन बार दो बार तो जरूर देता हूं जो बढ़िया क्वेश्चन होता है इसलिए टोटी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो तेजी है वो थोड़ा बढ़ सके आपको पता है कि सेपरेशन कहां होता है सेपरेशन हमेशा वही होता है जहां पर प्रेशर रेडियंट पॉजिटिव होता है जहां पर प्रेशर रेडियंट पॉजिटिव होता है वही सेपरेशन होता है है ना इसी को तो एडवर्स प्रेशर रेडियंट भी कहते हैं तो प्रेशर रेडियंट आर पॉजिटिव ऑप्शन नंबर रेडियंट पॉजिटिव हो ए। तो जहां भी रहा वहीं सेपरेशन हो रहा है अगला क्वेश्चन देखते द थिकनेस ऑफ अ टर्बुलेंट फ्लो कहा जा रहा है थिकनेस ऑफ बॉन्डी लेर्बुलेंट फ्लो बताइए तो सबको पता है कि ब्लेसिय रिजल्ट से जो थिकनेस ऑफ बॉन्डी लेयर आई थी इन टर्बुलेंट फ्लो तो वो आई थी पॉइंट थ्री सेवन सेवन और एक्स साथ साथ फॉर्मुला में नीचे आया था रिनोल्ड नंबर टी पावर एट बटे पांच रिनॉल्ड नंबर टी पावर एट बटे पांच ये थी थिकनेस ऑफ बॉन्डीलियर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इसी वजह से जो टेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाकी कोई तो ऑप्शन इस जैसा है नहीं है ना ये ब्लेसियस रिजल्ट से निकली थी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन ये है द रिनॉल्ड नंबर ऑफ अ फ्लूड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट मतलब किसी फ्लैट प्लेट पे जो रिनॉल्ड नंबर है एट अ डिस्टेंस 16 मीटर 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द लीड इज मतलब जब एक्स का मान आपने 16 सेंटीमीटर लिया उस समय जो रिनॉल्ड नंबर थी वो थी 2000 सॉरी दो और डबल ये थी फिर आगे लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट पे तुम्हें थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर बताना है मतलब डेल्टा बताना है तो पहले तो ये चेक कीजिए कि तो ये जो आपका वैल्यू लिखी है ये जो वैल्यू लिखी है ये जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू दो टोड़े दो की पावर पांच से छोटी बड़ी है अरे सर की पावर पांच और उसके साथ साथ दो का भी मल्टीप्लाई तो साफ साफ पता चल रहा है कि मैं इस वैल्यू को तो लिख सकता दो नहीं पांच पावर पांच से बड़ी थी छोटी है तो मैं इस वैल्यू को तो लिख सकता हूं सर इसमें तो पांच जीरो नहीं है देखा जाए तो है ना तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है अप्रोक्स पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी पावर फाइव तो इसका मतलब इंटू ट्वेंटी पावर फाइव से छोटा है तो कंफर्म ये जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा फ्लो हो रहा है लेमिनार तो इस डेटा और डेटर मुझे ये लग गया कि फ्लो मेरा कैसा होने वाला लेमिनार अब लेमिनार फ्लो के लिए याद करिए अगर मुझे डेल्टा निकालना है यानी थिकनेस ऑफ लेयर निकालनी है जो मुझसे पूछी जा रही है लेमिनार फ्लो के लिए तो उसके तो लिए फॉर्मूला होता है फाइव एक्स डिवाइड बाई अंडर नंबर अंडर नंबर ये फॉर्मुला इस्तेमाल करते हैं हम लोग लगा दी जल्दी से तो अंडर रुड रिनोल्ड नंबर यानी दो सौ छप्पन और डबल जीरो मुझे लेना पड़ेगा अंडर उठ सो साठ एक सौ साठ वैसे सीधी सीधी भी बात है तो 160 हो गया तो ये पांच x मेरा 16 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 160 160 तो बा बताइए यहां से अगर डेटा को सोल्व कराया जाए सोल्व कराया जाए तो, तो कंफर्म ये जो मान निकलेगा वो सेंटीमीटर में पहले आएगा तो का मान तुमने 16 सेंटीमीटर रखा है ऑप्शन तो देखिए वो सब ऑप्शन mm में है तो टर्म कर सकते हैं कि जो 16 सेंटीमीटर है मैं तो एक सौ साठ एमएम बना दू 160 क्या बना दू? ये जो 16 सेंटीमीटर उसको मैंने 160 सौ बना दी ऊपर एक्स्ट्राम तो आपको आंसर तुरंत दिखने लगा होगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम एम फाइव एम एम ऑप्शन नंबर चेक चक्की फाइव एम MM। भाई बात सबको तो तो समझ में आ रही ना तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर तो पहले रेनॉल्ड नंबर जो दी थी मैंने उसको एक बार देखा और फिर समझा कि ये फाइव इंटू टेन पावर फाइव से बड़ा है कि छोटा है मैं पहले ही बता चुका हूं कि फाइव इंटू टेन पावर फाइव का जो क्राइटेरिया है वो फ्लैट प्लेट के लिए लगाते हैं और यदि तुम्हारा पाइप होता तो फिर मुझे दो हजार और चार हजार देखना पड़ता ठीक है तो करेक्ट आंसर मुझे पता चला लेमिनार है लेमिनार के लिए फिर लेमिनार फ्लोर के लिए फॉर्म लगाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि बॉन्डी लेयर सेपरेशन इज क्रॉज बॉन्डी लेयर सेपरेशन के पीछे क्या रीजन होता है बहुत सीधी सी बात है कि सर लेयर सेपरेशन के पीछे एटी रीजन होता है एडवर्स प्रेशर रेडियंट और एडवर्स प्रेशर रेडियंट मतलब डेवर पी अपॉन डेवर एक्स डेटा देन जीरो इसका मतलब ये होता है कि फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है ढट तो in, in flow. Flow, नहीं, नहीं जाना और बहुत कम वैल्यू था नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है वैसे इन्होंने ये बात बोली नहीं है कहीं पर तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर बॉन्डी लेयर सेपरेशन इस कंडीशन में या फिर डेवर डेवर यू अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू कंडीशन में होता है तो बस पर मुझे इनके अलावा एक और ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी वेटी रेडियंट बीन जीरो तो जो कह भाई यही कंप्लीट कंडीशन होती है केवल यह थोड़ी ना होती इसके साथ ये भी होती है ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट को पढ़कर मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए पहला पॉइंट देखिए क्या बोला जा रहा है पॉइंट्स को तो ध्यान से पढ़ना तभी इसका करेक्ट आंसर मिल पाएगा कंडीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रीटेनिंग द टू द बॉन्डी लेयर ऑन सॉलिड सर्फेस पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ लेयर सेपरेशन टेक प्लेस से प्रेशर रेडियंट जीरो नहीं सजलत है बाउंड्री लेयर सेपरेशन उस समय होता है जब प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है तो ये गलत हो गया तो एक गलत हो गया तो एक गलत हो गया इसका मतलब ना तो ए सही हो सकता है ना ही बी सही हो सकता है ना ही डी सही हो सकता है क्योंकि तो तो एक गलत हो गया ना तो एक सब में है इसलिए नहीं सही हो सकते तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और देख लेते द कंडीशन ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज डेवर यू अपॉन डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही यही पिछला वाला सवाल था कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन डेवर यू अपॉन डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो

व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस टू बॉन्डी थिकनेस देखिए इस बार इन्होंने मोमेंटम थिकनेस के बारे में सवाल पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस टू बॉन्डी और प्रोफाइल भी दी गई है तो इसका मतलब मुझे जो निकालना पड़ेगा मोमेंटम थिकनेस निकालना पड़ेगा इस बार मुझे मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मुला इस्तेमाल करना पड़ेगा इस प्रोफाइल के लिए चलिए चेक कीजिए मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मला होता था इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा पहले बाहर प्रोफाइल रखी जाती थी तो बाहर प्रोफाइल हो जाएगी y बटे डेल्टा की पावर एट बटे दो फिर ब्रैकेट लगाकर वन माइनस अंदर भी प्रोफाइल रखी जाती थी तो प्रोफाइल है फॉमला था अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता तो ये बाहर वाल से टर्म हट जाता एनर्जी थिटनेस होता तो ये जो अंदर है उसमें स्क्वायर हो जाता है ना चलिए फिर सॉल्व कराते हैं तो अगर मैं सॉल्व कराना चाहूं तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करा दू तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई टाउन रहा तो पहला जो टर्म बन जाएगा वो y बटे डेल्टा की पावर वन बाई टू बन जाएगा माइनस आगे जो टर्म बन जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन तो आगे जो टर्म बन जाएगा वो y बटे डेल्टा की पावर वन बन जाएगा है ना तो मुझे इस पूरे टर्म का टाना है इंटीग्रेशन

तो तीन बटे दो नीचे आएगा अच्छा जो भी मेरा रिजल्ट आएगा जो भी मेरा आंसर उस आंसर में मैं सकता हूं यानी वाई की पावर तीन बटे दो बटे तीन बटे दो ले बटे तीन बटे दो उल्टा होते दो बटे तीन कर देगा और यहां पर कह सकते हो ये वन बाई टू टू लिटा हुई है ये वन हो जाएगा ना पावर में तो सकते हो माइनस वाइट एंटीशन वाइट स्क्वायर बटे दो तो वो डेल्टा लिमिट लगा के पावर बटे दो तो बटे दो यानी बटे दो बस सॉल्व ला लीजिए अरे इसको देखा जाए तो मैं कह सकता हूं जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो तीन दूनी छह और यदि एलसीएम हो गया तो कह सकता हूँ तीन दूनी छ चार और द्वितीय छ

6, 6. तो जो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया 6, 6. 6, 6. ये मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़िया क्वेश्चन था है ना तो कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा समझा लीजिए कैसे क्या करना है सवाल बहुत आराम से सॉल्व होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि फॉर द बाउंडी लेयर थिकनेस एट अ गिवन डिस्टेंस फॉर बॉन्डी थिकनेस एट अ अट डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ अ फ्लैट प्लेट इज पहलाइटर फ्लूट मोर फॉर लाइटर मोर फॉर डेंसर फ्लूट और इस तरह से ऑप्शन है चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं जैसे कि मैं यहां पर दो प्लेट बनाऊ ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट बहुत ध्यान से देखते हैं ना मैंने दो प्लेटें बनाई और इन दोनों प्लेटों पे बाउंडी लेयर भी खींच दी तो पहली बॉउंडी लेयर मान लीजिए ऐसी आई है दूसरी बाउंडी लेयर कुछ ऐसी आई है दोनों मैंने बॉउंडी लेयर खींच दी है ना दो बाउंडी लेयर खींची और कोई भी एक पॉइंट ले लिया कोई भी एक पॉइंट ले लिया लेकिन मैंने कह दिया कि एक लिक्विड लाइटर है एक लिक्विड हैवी है तो इन्होंने बोला है द दौंडी लेयर थिकनेस एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज फ्रॉम द लीडिंग एज यानी लीडिंग एज से गिवन डिस्टेंस मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है

सॉरी डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई रो तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रो कम हो रहा तो डेल ज्यादा हो रहा रो ज्यादा हो रहा तो डेल मेरा कम हो रहा उल्टा है तो उल्टा है तो बताइए बॉन्डी लेयर थिकनेस किसमें ज्यादा आएगी सर बॉउंडी लेयर थिकनेस उसी में ज्यादा आएगी जिसकी डेंसिटी कम होगी डेंसिटी कम मतलब जो लाइटर लिक्विड हो रहा हल्का लिक्विड हो रहा उसकी बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा हो रही तो पहला ऑप्शन है मोर बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में बोला जा रहा मोर फॉर लाइटर फ्लू यानी हल्के द्रो की लेयर थिकनेस ज्यादा होगी हल्के द्रो की लेयर थिकनेस ज्यादा होगी ऑप्शन नंबर ए सही है देख लीजिए मोर फॉर ये भी पार्ट एकदम सही है लेस फॉर डेंसर फ्लूड मतलब ये है कि जो डाढ़ा लिक्विड हो रहा है उसके लिए बॉन्डी लेयर थिकनेस कम होगी बात बिल्कुल सही है आपका ठीक है इसके अनुसार तो आ रहे डेंसिटी देखा जाए तो ए और सी दो पार्ट तो और सी दो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन है मेरे पास ए फ्लू इज फ्लोइंग मतलब कोई भी फ्लूड, फ्लूड रहा है द लीडिंग एज रिनोल्ड नंबर अब देखिए फिर से वही रिनोल्ड नंबर है जो अभी पहले सवाल के आया था इसका मतलब फ्लो मेरा लेमिनार हो रहा श्योर है आपका और डिस्टेंस हमारी आठ सेंटीमीटर यानी बराबर आठ सेंटीमीटर हो गया एक्स बराबर सेंटीमीटर हो गया, रेनॉल्ड नंबर पूछी जा रही है कोई बात लेंगे सवाल आसान है बिल्कुल उसी जैसे ही सवाल है बहुत ज्यादा टफ नहीं तो थिकनेस ऑफ बाउंडी होता था अब लेमिनार फ्लो है तो फाइव एक्स एक्स ले एक्स आठ सेंटीमीटर है तो आठ न रखकर अस्सी रख दीजिए क्यों अस्सी रखा ताकि एम एम बन जाए और नीचे होता है अंडर रूड रिन दो अंडर रूड लोड रहे तो एक सौ साठ आ जाएगा है ना तो आप ये पूरा डेटा सोल्व कर लीजिए है ना तो पूरा डेटा, डेटा सोल्व कराएंगे तो ट्रेट आंसर मुझे मिल जाएगा पूरा सोल्व टाटे दो दशमलव पांच एमएम दो दशमलव पांच एम एम दो दशमलव पांच एमएम तो जो ट्रेट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया बहुत